तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और महा जैकपॉट मैच प्रिडिक्शन वीडियो पे। जैकपॉट पे जैकपॉट मैच उड़ रहे हैं, बैक टू बैक हम आपको टॉसेस और मैचेस पास करा रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चेक कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लाखों रुपया कमा रहे हैं रोजाना लोग, तो आप भी जुड़िए और आज से ही कमाना शुरू कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IPL के मैच नंबर 15 का ऊपर की कौन होगा इस मैच का टॉस प्लस मैच विनर, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, हेड टू हेड सेशन और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो IPL का मैच नंबर 15 खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जाइंट्स के बीच में। ये मैच 10 अप्रैल शाम के 7:30 बजे से एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये बेंगलोर का होम ग्राउंड पिच है। इस पिच पे IPL कैरियर में अभी तक 84 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से फास्ट बैटिंग करने वाली टीम 40% मैचेस को विन की है, वहीं फास्ट बॉलिंग करने वाली टीम 52% मैचेस को विन की है। वहीं कुछ मैचेस यहां बारिश के वजह से नहीं हो पाए हैं। वही बात करें इस पिच का पिच रिपोर्ट का, तो लास्ट 8 मैच के बेसिस पे बॉलिंग फेवरेट पिच है, सुटेबल फॉर पेसर्स है। बट विकेट रिपोर्ट की बात करें तो इस पिच पे पेसर्स को अभी तक सिर्फ 39% विकेट मिले हैं, जबकि स्पिनर्स को इस पिच पे 61% विकेट मिले हैं। तो आप अपने फैन टीम या ड्रीम इलेवन टीम के लिए स्पिनर्स को पिकअप कर लीजिएगा, ये आपको अच्छा रैंकिंग दिलाने में मदद करेंगे और आपको हेड टू हेड में जिताएंगे भी। वहीं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच अभी तक सिर्फ 2 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें से दोनों का दोनों मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने विन किया था। इस पिच के एवरेज स्कोर लखनऊ का 178 का रहता है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 194 का रहता है। टीम कंपैरिजन की बात करें लास्ट 10 मैच के बेसिस पे, तो इन दोनों टीमों ने 10 मैचेस को प्ले किया था, जिसमें से 50% मैचेस को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने विन किया है, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने 60% मैचेस को विन किया है। यहां का एवरेज स्कोर इस पिच का रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 163 का रहता है, तो लखनऊ का 168 का रहता है। हाई स्कोर 207 का रहता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का, तो लखनऊ सुपर जायंट्स का 210 का रहता है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 115 रहता है बेंगलोर का, तो लखनऊ सुपर जायंट्स का 82 रहता है। अब जान लेते हैं कि इस मैच का टॉस कॉल किस टीम का रहने वाला है। तो इस मैच का टॉस कॉल लखनऊ सुपर जायंट्स का रहने वाला है और मेरी तरफ से टॉस विनर भी लखनऊ सुपर जायंट्स रहेगा। अगर टॉस से जुड़ा कोई भी चेंजेस आएगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टॉस के 1 या 1.5 घंटा पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं सेशन रिपोर्ट का लास्ट 10 मैच के बेसिस पे, तो 6 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 49 रन के आसपास रहता है, तो सेकेंड इनिंग में 53 रन के आसपास रहता है, 10 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 72 रन के आसपास रहता है, तो सेकेंड इनिंग में 89 रन के आसपास रहता है, वहीं 15 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 115 रन के आसपास रहता है, तो सेकेंड इनिंग में 136 रन के आसपास रहता है, 20 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 174 रन के आसपास रहता है, तो सेकेंड इनिंग में 170 रन के आसपास रहता है। तो ये रहा सेशन रिपोर्ट, कौन सा सेशन यस होगा कौन सा सेशन नो होगा ये आपको हमारे ड्रीम इलेवन फैंटास्टिक टेलीग्राम चैनल पे बताया जाएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का आप यहाँ पे प्लेइंग लिमिटिंग देख सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स का भी प्लेइंग लिमिटिंग देख सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर कोई चेंज आएगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉस और मैच से जुड़ा हुआ सभी एंट्री अपडेट आपको वहीं पे अपडेट किया जाता है। तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको फाइनल मैच विनर टीम यहीं पे दिया जाता है। टॉस होने के बाद आपको कब एंट्री लेना है, कब लॉस कट बुक सेट करना है, सारा एंट्री अपडेट आपको यहीं पे कराया जाता है। तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और जो लोग फैन टीम या ड्रीम इलेवन टीम खेलते हैं, सिंपली आपको किसी भी मैच अपडेट के ऊपर आ जाना है, वहाँ पे आपको फैन टीम लिखा हुआ मिलेगा, उस लिंक को आपको ओपन करना है। जैसे उस लिंक को आप ओपन कीजिएगा, आप हमारे फैन टीम टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, आपको यहाँ पे टीम बना के दे दिया जाता है, आप यहाँ का टीम पिकअप कर सकते हैं। ये आपको अच्छा रैंकिंग दिलाने में मदद करेगा और आप हेड टू हेड में जीतेंगे भी, और आपको यहाँ पे 4x4 सेशन पास कराया जाता है। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आज से कमाना शुरू कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले मैच के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।